हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। पिछले कई दिनों से या हम कहें कि इस कोरोना टाइम से जो है हम सोच रहे थे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, या ऐसे ही हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, या क्या बेसिस रहेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे और कब तक एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। तो पिछले कुछ टाइम से जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो टीचर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहे थे और आखिर में डिसाइड किया गया कि जो है मई के अंदर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो उसी का नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जो है इशू कर दिया है और अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होंगे और कब तक ख़त्म होंगे और क्या क्या उसमें जो है वो हमारे प्रैक्टिकल किस तरह से किए जाएंगे, क्या करवाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी आप नोटिफाई करा पाएँ या जानकारी दे पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे कही जा रही है वो है कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी परेशानी देखी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है सीबीएसई ने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ में कुछ जो है मीटिंग्स की थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और उसमें जो फीडबैक या कंसल्टेशन को मिले थे उस बेसिस पर उन्होंने जो है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 10th एंड 12th के स्टार्ट होंगे 4th मई 2021, जो कि ट्यूज़डे को रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही क्लासेस के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो एक ही दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 4th मई से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो यहाँ देखने को मिलता है कि स्कूल विल बी अलाउड टू कंडक्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ऑफ 12th फ्रॉम 1st मार्च, यानी 12th क्लास का जो है वो इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो है 1st मार्च से स्टार्ट होगा और वो डिपेंड करता है स्कूल चाहे तो उसको आखिरी एग्जाम तक भी कंडक्ट कर सकता है। क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनरली मार्च और अप्रैल का बड़ा टाइम है और उसमें शायद इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्लास 10th के लिए बात की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्कूल जो है उनको अलाउड किया गया है कि चाहे तो 1st मार्च से लेकर आखिरी जो एग्ज़ाम है 10th बोर्ड का वहाँ तक भी वो अपने प्रैक्टिकल्स को, इंटरनल असेसमेंट को या प्रोजेक्ट को करवा सकते हैं। जो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर से मार्च और अप्रैल का जो एक लंबा समय मिल जाएगा 10th क्लास के लिए, तो वहाँ पर जो है 10th क्लास के लिए प्रोजेक्ट्स या इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन में दिखता है वो ये है कि डेट शीट जो है आपकी 10th की हो या 12th की हो वो जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है, तो आप उसके लिए अभी से प्रिपरेशन तैयार रखें। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट्स में देखने को मिलता है, 5th पॉइंट ये है कि सीबीएसई विल ऑल्सो इन्फॉर्म द स्टेक होल्डर्स अबाउट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी इन्फॉर्मेशन जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन जो है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे ही मिलेगी। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, यानी जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी ग्रुप या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो ऑथेंटिक नहीं है, सीबीएसई का नहीं है, अगर वहाँ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको करेक्ट जो है वो नहीं क्या कहा जा सकता, क्योंकि वो वहाँ पर फेक भी हो सकती है या कुछ हाइप बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसा मिसगाइड करने के लिए हो सकता है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आप चेक कर लें कि वो सीबीएसई साइट पर वहाँ पर मौजूद हो या सीबीएसई के जो कंसल्टेड लोग हैं उनको आप वेरीफाई समझें। तो वहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपको न्यूज़ मिलती है तो आप उसको फेक न्यूज़ समझ सकते हैं या फिर उस पर इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्म करें पहले सीबीएसई साइट पर जाकर, उसके बाद ही इसको क्लियर करें। तो आशा करता हूं कि आपको यहां पर समझ में आया होगा कि कब से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आप उन एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करें। कम टाइम है आपको, घर में ही रहकर आपने पढ़ाई की होगी, पर उम्मीद करता हूं कि शायद आपने उसमें मेहनत की होगी और आप जल्दी ही अच्छे रिजल्ट्स भी पाएंगे उसमें। तो आप इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए, जो जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे शुरू कर पाएँ और बहुत जो है अच्छे से कर पाएँ, जिससे कि वो अच्छे रिजल्ट्स ला पाएँ। डेट शीट रिलीज़ होते ही आपको मेरे वीडियो के थ्रू जो है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तब तक कि आप मेरे चैनल के थ्रू जो है अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे जो है कमेंट करके उसमें कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका बिल्कुल डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, जिससे कि आपको जो है चैप्टर ज़्यादा अच्छे समझ में आए और आपके जो भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।